रही हैं और बस अभी राज छोले भटूरे पैक करवा रहे हैं कि मिश्री का और अरमान का दोनों का बहुत मन था छोले भटूरे खाने का। और आप मेरा फेस देख रहे हो कितना डर लग रहा होगा यार, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज बस अभी वापस जा रहे हैं, जाकर लंच करेंगे, फिर उसके बाद गाँव में भी मेला देखना है क्योंकि बच्चों को मैं साथ लेकर नहीं आई थी क्योंकि मिश्री की तबीयत ठीक नहीं थी और अरमान को उसके पास छोड़ कर आई थी और थोड़ी बहुत देर का ज़रूरी काम था। तो बस अभी हम वापस जा रहे हैं और चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और आपको गाँव का मेला भी दिखाऊंगी कि हमारे गाँव में कैसा मेला लगता है। मुझे अपना तो ले तो हाँ, सबसे पहले मैंने परचेज़ किया है ये वाले ईयरिंग्स और मांग टीका क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तो खैर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आ रही थी तो मैंने ज्वेलरी परचेज़ की है। तो इसमें आपको ईयरिंग्स मिल जाते हैं और मांग टीका मिल जाता है, तो बस ये दो ही आइटम थी इसके साथ। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि ये इतनी अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिल गई थी, ये सिर्फ मुझे 150 रुपीज़ के प्राइस में मिल गई थी। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी ईयरिंग्स नहीं है, ये बहुत ही लाइट वेट है। यस, ये सबसे पहले मैंने परचेज़ किया था। एक और मैंने रेड कलर में परचेज किया है, चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो यस, ये एक मैंने ऑरेंज और रेड से कलर में परचेज किया था और ये वाला भी मैंने एक सेट परचेज किया था। इसके साथ ना आपको मांग टीका भी मिल जाता है और ये गले का पेंडेंट भी मिल जाता है, ईयरिंग्स मिल जाते हैं। तो ये भी दोस्तों मैंने 150 रुपीज के प्राइस में ही लिया था, है ना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। और ये भी बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज्यादा हैवी ईयरिंग्स नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छे हैं और ऐसा नहीं है कि इसे पहनने के बाद आपके कान जो है वो दर्द होने लग जाएंगे। और क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है, मुझे पसंद आई है। तो यस, मैंने एक ये परचेज की है। इसके बाद ना दोस्तों मुझे ये वाला सेट ना इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, ये मरून कलर में है, आप देख सकते हो, ये चौकर सेट आप इसे बोल सकते हो। इसके साथ इतने ज़्यादा अच्छे ईयरिंग्स हैं और इतने लाइट वेट है ना, जैसे अगर आपका कुछ हैवी पहनने का मन ना हो ना तो आप ये लाइट वेट सा सेट पहन कर जाओ, बस कमाल लगोगे। इसके साथ आपको मांग टीका भी मिल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिल गया था। ये सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया था दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आया, सच में बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा है आप बताइएगा और आपको कौन सी ज्वेलरी से ज़्यादा अच्छी लगी है ये भी बताइएगा। प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। और काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि ज़्यादा कुछ हैवी पहनने का मन ना हो, बस लाइट सी ज्वेलरी पहनी और बस पार्टी के लिए तैयार। तो यस, उसके लिए ये चोकर पीस ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे। नेक्स्ट दोस्तों मुझे ये वाले इयररिंग्स, ओ माय गॉड, कितने पसंद आए थे। मतलब मेरा मन तो ये था, वहाँ पे ज्वेलरी और भी बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन भी थी और भी हैवी सेट भी थे, ब्राइडल सेट भी वहाँ पर मिल रहा था, मेरा बहुत मन था बट राज ने बोला नहीं आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसलिए वैसे मेरा मन तो ये था कि पूरी, मतलब मैं पूरी दुकान ही खरीद लेती सच में, इतना मन था। बट ये इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत 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 ज़्यादा। इस टाइप से ना मेरे पास थे भी नहीं, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में तो वो हैं बट इसमें इस टाइप से मेरे पास नहीं थे। बट ये आपको कैसे लग रहे हैं बताइएगा। और ये भी लाइट वेट है, मतलब बहुत अच्छे हैं ये भी पहनने में और मुझे इस टाइप के ना इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने परचेज की थी, ये लास्ट है, ये मल्टी कलर में मैंने बीट्स की ये माला ली थी, मतलब माला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये। और इस कलर में ना मेरे पास थे भी नहीं मल्टी कलर में, तो मैंने यस ये माला परचेज की है। आपको कैसी लगी है ये सभी ज्वेलरी प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा। इसके बाद दोस्तों मैंने लिया था एक ये हेयर बैंड वाइट कलर में और ये सिर्फ 20 के प्राइस में मिल गया था। और एक ये राज ने पसंद की है, ये चीज़ राज को पसंद आ रही थी, ये क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, ये राज ने परचेज किया था, इसमें लाइट भी जलती है। इसके बाद मिष्टी के लिए लिया मैंने ये डोरेमोन
उसके पास था नहीं और मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो बस दोस्तों यही सामान मैंने परचेज किया है। आपको कौन सी ज्वेलरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, कौन सा सेट अच्छा लगा है और आपको ये सभी सामान कैसा लगा है प्लीज मैसेज करके बताइएगा। और तो ज्यादा मैंने कुछ खरीदारी नहीं की है बट ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल रही थी और एफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही थी तो मैंने ले ली है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।